सत श्री अकाल जी, पंजाबी साहित्यकार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अज मैं बिल्कुल नवे शब्द लैके आई हाँ। मैं थोड़ा जिहा असी अपनी खाण पीन वाल भी ध्यान दईए, बहुत जरूरत है, तो वह थोड़ी शब्दावली लैके आई हाँ। उहदे बारे अज चर्चा करांगे जिहड़ी साडी सभ्याचार दे नाल जुड़ी हुई है, साडे लोक साहित्य दे नाल जुड़ी हुई है। ठीक है जी। हाँ, उस तो पहले एक अनाउंसमेंट जिहड़ी है बहुत जरूरी वो कर रही हाँ। होप सो पोस्टां बहुत जद्दोजहद हो रही है, तो पोस्टां जरूर आनगियां, मतलब कि एक पॉजिटिव वाइब्स आई ने। और सेकंड थिंग, अपनी प्रेपरेशन जड़ी है शुरू कर लो, क्योंकि लैक्चरर का पेपर जड़ा है बहुत बहुत औखा आया सीगा। औखा इनफैक्ट की हैगा, फैक्ट तो सी बिल्कुल सही सी, कुछ फालतू गल्लां नहीं सीगियां, बट क्वेश्चंस इन्ने डेप्थ विच सीगे कि जिथों तक बंदा अप्रोच नहीं कर पाता। ठीक है जी। हाँ, एक बुक तुहानू होर रिकमेंड कर रही हूँ, वारिशा फाउंडेशन तो मैं पहले रिकमेंड की हुई सी। इस बार थोड़ी जी होर बुक जी फोकस हुई है, वो है रतन सिंह जग्गी जी का जड़ा पंजाबी साहित्य का इतिहास गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी वालों छापे हुए, उस बुक न भी उन्होंने फॉलो किया। 40% पेपर और तुसी वो बुक से जरूर परचेज़ कर लियो। बाकी इस तो इलावा जे क्लासिस चल रही हैं मास्टर कैडर पंजाबी और एस एस टी वाले अपनी क्लासिस पाते ने, मैं उन्होंने मेरे ग्रुप से मेरे यूट्यूब चैनल उन्हों क्लासिस देख सकते हो, तो जे विलिंग हो तो जरूर ज्वाइन करो। उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर और लिखा हुआ, अदरवाइज तुम मैनू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तुहाडी एस एस टी की भी प्रैपरेशन करवाई जा रही है और पंजाबी की। हाँ जी, हुण स्टार्ट करते हैं। इधर सब तो पहले मैं वर्ड लैके आई हाँ, छमानी। छमानी हुण गुड़ती तो आप सुनिया होया सी सारिया ने कि गुड़ती की होंगी है। गुड़ती वाले रिलेटिड क्वेश्चन भी आता, उस व्यक्ति विशेष की महानता होंगी है। एक तो पहली गल है कि बच्चे का पहला खाना होंगे, ठीक है, बट वो पहला खाना असं पर्टिकुलर दे दें कि किस इंसान वालों दिता जाए, क्योंकि यह मनिया जाता है कि जो इंसान गुड़ती दिता है उसका सुभा जड़ा है, उसका जड़ा योगदान जड़ा है वह उस बच्चे में आता है, उसकी नेचर जी और जाती है। इसलिए असं खास तौर पर ध्यान दें कि जी बच्चे गुड़ती दी जाए उसनों कौन दे। ठीक है। हुण छमानी थोड़ा और ओपोजिट है, जदों औरत दे बच्चा हुंदा है, बच्चे की पहली खुराक गुड़ती हुंदी है, तो औरत की पहली खुराक जड़ी है छमानी हुंदी है। ठीक है जी। थोड़ा तुहानू अलग जिहा वर्ड लगेगा, बट औरत की पहली खुराक छमानी हुंदी है बच्चे तो बाद। नैक्सट साढ़े को वर्ड है पंजीरी। इहदे बारे तो सबनू पता होएगा और बहुत जाने नू स्वाद भी लगती होएगी। पंजीरी जड़ी है जदों औरत दे बच्चा हुंदा है, नवा घर च मैंबर आंदा है, तो साडा नैचुरली जो लेडीज़ हुंदियां वो वीकली बहुत वीक हो जांदियां, बॉडी वाइज बहुत कमज़ोर हो जांदियां। तो जिहड़े साडे पुराने लोग सी इन्हां चीज़ां नूं बहुत समझदे सीगे, स्ट्रिक काफ़ी सख्त सुभा दे हुंदे सी, बट इन्हां गल्लां नूं समझदे हुंदे सी। तां इक पंजीरी बनाई जाती है ड्राई फ्रूट्स वगैरह पा के और देसी घ्यो पा के, कि वह औरत जिहड़ी है उसका शरीर मुड़ पहले वर्गा हो सके, वापस वो अपनी पहली रूपरेखा विच आ सके, उस दियां हड्डियां नूं ताकत मिले ते उन्हूं जान मिले। ठीक है। नैक्सट है साढ़े को जड़ा गोई मंडा। गोई मंडा ये थोड़ा डिफिकल्ट जिहा नाम है, पर याद करने लिए तुहानूं दस दिंदी हां, इत्थे तुसीं मंडा शब्द याद रखना है। मंडा कंसीडर करदा है मुंडे तो, कहिंदे कि जदों किसी इस्त्री दे मुंडा हुंदा सी ना, उस टाइम गोई मंडा वंडिया जांदा सी। कादे लई वंडिया जांदा सी? उस एक प्रसाद के रूप में, और दसन लई हुण जिवें लड्डू दा वंडे ही जांदे ने, गोई मंडा भी वंडिया जांदा सी। कहिंदे जिहड़ा गोई मंडा हुंदा वो एक पतली जी मिठी रोटी हुंदी है, वह हुंदा गोई मंडा, जो कि मुंडे दे होण ते वरतिया वंडिया जांदा सी। हाँ जी। हुण इस तों बाद जिहड़ा नैक्सट है वह है गंदोड़ा। इस बार मास्टर कैडर विच भी आया सी गंदोड़ा। एक्चुअली गंदोड़ा की हुंदा है कि जदों किसी की डैथ हो जाती, असी वड्डा करते हैं पंजाबी विच, सानू अजकल जो शब्द पता है उन्हों वड्डा करना कहिंदे हैं, तो उस टाइम पर स्पैशल मूंगफली, कई जगह पर मूंगफलियाँ वंडिया जांदियां, कई जगह पर जलेबियाँ वंडिया जांदियां। ठीक है कि जो बंदा है वह अपनी पूरी उम्र भोग के अपना घर परिवार देख के गया होया, उस चीज़ को असी कहिंदे हैं गंदोड़ा। गंदोड़ा खाना किसी बजुर्ग का, और पहले टाइम पर जिहड़े कहिंदे अमीर लोग हुंदे सी ना, उस खाने स्पैशली लोगों के घर वंड के आते सी, उन्हों कहते गंदोड़ा फेरना, जो मास्टर केडर विच आया सी गंदोड़ा फेरना, जिहड़ा कि लोगों के घर विच दिता जांदा। अच्छा, कई बजुर्ग कहिंदे ने अपने जींदे जी ये रसम निभा देंदे,
कि अपनी जिंदे जी और सारे पिंड विच गंदोड़ा फेर दिंदे, पर उस टाइम ते उसनू गंदोड़ा फेरना नहीं कहिंदे, जदों जिंदे उहनू कहिंदे जीउन जोगा। ठीक है, उस शब्द नू उस टाइम ते असीं की शब्द वरतदे आ, जीउन जोगा। नैक्सट है बोहली। बोहली तो आम नॉर्मली सारियां नू पता होएगा और कईयां नू पसंद भी होएगी, मैनू भी बहुत पसंद है बोहली। जिहड़ी हुंदी है जदों मझ जां गां सूंदी है तां उसदा जिहड़ा दुध हुंदा उहनू गुड़ पा के जदों फटदा है बड़ा स्वाद हुंदा है, उहनू असीं बोहली कहिंदे आ। नैक्सट आंदा साडे कोल सत्तू। छोटे हुंदिआं मैनू बिल्कुल स्वाद नहीं सी लगदा, पर छोटे हुंदिआं जबरदस्ती घरदिआं वल्लों इह पिलाया जांदा सी। क्यों? क्योंकि इह ना गर्मियां विच ठंडा हुंदा। ठीक है, गर्मी बहुत होंदी सी। अजकल तां मार्केट विच जाओ तां तुहानू मिलेगा जरूर, बट बड़े फ्लेवरस दे विच अलग अलग तरीके च। पहले वह फ्लेवर विच इन्ना नहीं सी आंदा हुंदा, गुड़ पा के बनाया जांदा सी ते असीं पींदे हुंदे सी। अज मैं हुण रीसेंटली मार्केट गई सी तां मैं देखे हैरान रह गई, चॉकलेट फ्लेवर, नींबू फ्लेवर, जल जीरा फ्लेवर इहदे विच आ गया। इह ना स्पैशली जौं दा बनदा है, जौं हुंदी भी ठंडी है और जौं दा बनदा है। एक किस्म च शरबत हुंदा है, सत्तू की है शरबत हुंदा है जो जौं दा बनदा है। उस तों बाद नैक्सट है गांठ। गांठ की हुंदा है? गांठ एक किस्म विच जिहड़ा जौं है उहनू ही कहा जांदा है, बट इहदे विच असीं शरबत कीता सत्तू, इहदे विच गांठ की हुंदा है? जौं जिहड़ा तीन चीज़ां नाल मिलदा है, एक मक्की, कणक ते ज्वार, सॉरी आई थिंक छोले, सॉरी गलत हो गया मेरे को, जौं, मक्की, कणक ते छोले, ये चार चीज़ां जिहड़ियां ने इन्हां नू भुन्निया जांदा है, तां वह भुन के जिहड़ा खाया जांदा उहनू गांठ कहिंदे आ। ठीक है, नैक्सट उस तों बाद आउंदा है बकलियां। बकलियां जिहड़े छोले हुंदे ने, जदों साडे घर च कंजकां हुंदियां सी काले छोले बनाने आ, पंगूर जिहनूं असीं कहिंदे आ, कई पंगूर कहिंदे आ, कई सुके काले छोले कहिंदे आ जिहड़े पूड़ियां नाल हुंदे आ, उहनां नूं बकलियां भी कहा जांदा। नैक्सट है घुंगनियां। घुंगनियां साडे गुरु रामदास जी नाल भी जुड़दा है। ਤੁਸੀਂ ਜੇ 9th-10th ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬੀਬੀ ਪਾਣੀ ਜੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਛੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਛੱਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਗੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੁੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਘੁੰਗਣੀਆਂ। ਮਾਲਪੂੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਮਾਲਪੂੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਬਣਦੇ ਆ। ਖੀਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਤੂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਟ ਫਲੇਵਰ ਨਵੇਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਛਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਗਾਠ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਣਕ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੱਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, 1 August ਤੋਂ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵੀ ਅਤੇ SST ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਵੀ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 7717639393 ਦੋਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ।